अब तुम किसी में प्रोग्रामिंग कर दोगे, अब अलार्म कर दोगे, 4 बजे बजेगा अलार्म, प्रोग्रामिंग है वो, तो मशीन में प्रोग्रामिंग हो सकती है कि शेर का भाई बघेरा एक कुदन और दूसरा तेरा, और विपक्ष भी इसमें शामिल है, हमें जो है चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना पड़ेगा। देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करा जाए, वीवीपैट की गिनती करी जाए, ईवीएम को या तो खत्म कर दिया जाए। ये सब लोग मिले हुए हैं और ये एक एजेंडे को इस देश में चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है, देश में शिक्षा नहीं है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये अपना एजेंडा या फॉलो करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। एक बार फिर से हम मौजूद हैं पटियाला कोर्ट के पास। यहाँ पे आपको लोग दिख रहे होंगे जो एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, वो फिर से एक बार मार्च निकाल रहे हैं ईवीएम को लेके कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाते हुए, और लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाया जा रहा है, पर हालात ये दिख रहे हैं कि जो इनको डिटेन कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग बार बार जो है डिनाई कर रहा है इस मामले से। हमने तो लाइव बता दिया, बराबर चुनाव पंच बोलता है कि हमारा नहीं होता है, तो बार सब वकील लोग भी मांग रहे हैं, तो उन लोगों को देना चाहिए। और चुनाव पंच ऐसा बोलते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, ये पड़ा है हमारा वीवीपैट ईवीएम, इसको हैक करके बताओ। कोई भी चीज हैक ऐसे नहीं हो सकती है, उसको स्टडी करने के लिए उसके अंदर प्रोग्रामिंग होता है, पासकोड होता है, वो सब पता चलना चाहिए, और एक बड़ा सब्जेक्ट है, रिसर्च करने के लिए महीना दो महीना किसी को देना पड़ेगा। कुछ जज की बात कर लो, हमारे पास उनके प्रूफ है, हम ये साबित भी कर सकते हैं, है ना। ये सब लोग मिले हुए हैं और ये एक एजेंडे को इस देश में चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है, देश में शिक्षा नहीं है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, मगर ये अपना एजेंडा या फॉलो करना चाहते हैं। देश में जैसे क्रांति आ रही है, लेकिन सर इसमें कोई टैंजिबल प्रूफ नहीं है ना। देखिए, जहाँ ईवीएम बनी थी, जिन देशों ने ईवीएम बनाई थी, वहाँ खत्म हो चुकी है ईवीएम, मगर यहाँ क्यों खत्म नहीं हो रही है? उन्होंने अपने हिसाब से कोई प्रूफ निकाला, और या अगर हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, अगर वीवीपैट है तो वीवीपैट की गिनती भी होनी चाहिए, वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? अगर ईवीएम की गिनती होनी है तो वीवीपैट की गिनती भी होनी चाहिए, दोनों अगर मैंडेटरी कर दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ईवीएम की गिनती करते हैं, वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं, जो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। जब मेरे मोबाइल में हो सकता है, मेरे मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर चल सकता है, ये मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर चलता है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग हो सकती है। जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, ना वायरलेस पे कनेक्शन है। अब तुम किसी में प्रोग्रामिंग कर दोगे, अब अलार्म कर दोगे, 4 बजे बजेगा अलार्म, प्रोग्रामिंग है वो, तो मशीन में प्रोग्रामिंग हो सकती है, इस घड़ी में प्रोग्रामिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? प्रोग्रामिंग हो सकती है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग हो सकती है। हाँ, तो लगातार यहाँ पे सर, आप लोगों को अभी जा रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन का घेराव करें, लेकिन अभी आपको डिटेन करके ले जाया जाएगा। ऐसे कौन डिटेन कर लेगा वकीलों को? पिछली बार भी ऐसा हुआ था और आप लोग डिटेन करके डिटेन करा जाएगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है? हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा संविधान के दायरे में सब कुछ काम रहता है। हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करा जाए, वीवीपैट की गिनती करी जाए, ईवीएम को या तो खत्म कर दिया जाए या फिर उसमें वीवीपैट की गिनती करी जाए। ये दोनों कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो रिप्लेस करने के लिए तैयार है, ना वीवीपैट की गिनती कराने के लिए तैयार है। आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप लाइव डेमो देंगे, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट तक में आप लाइव डेमो देने दिया जाएगा इस तरीके से? देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? सुप्रीम कोर्ट संविधान को बचाने की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेती है कि भारत के संविधान को बचाया जाएगा। अगर भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की डेमोक्रेसी खतरे है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उसको शू मोटो लेना चाहिए। लेकिन लगातार चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि ईवीएम को कैसे हैक किया जाता है, आप लोग ऐसे बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है अभी तो। देखिए मैडम, कोई भी मशीन प्रोग्राम की जा सकती है, आप अलार्म को ले लीजिए, उसमें आप जितने बजे का अलार्म लगाएंगे उतने बजे बजेगा, आप घड़ी को ले लीजिए, ये प्रोग्रामिंग हो सकती है, जब घड़ी प्रोग्रामिंग हो सकती है तो कोई भी मशीन प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसलिए ईवीएम भी मशीन प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चंद्रयान भी प्रोग्राम करके भेज सकता है, कोई भी चीज प्रोग्रामिंग हो सकती है, ये मशीन है, ईवीएम मशीन है, इसलिए इसमें शंका जो है वो जायज है। अगर शंका है लोगों की, देश के लोगों की,
देश की पार्टियों की, तो शंका को दूर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि हम वीवीपैट की गिनती भी कराएंगे। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नंबर जारी करा था और उसमें लगातार आप कह रहे थे कि बार बार मिस कॉल आए जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पे लोग नहीं दिख पा रहे हैं ना। ये तो वकीलों का, वकील आ रहे हैं, जमीन लोगों का थोड़ी है। वकील कितने हैं, सैकड़ों की तादाद में एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स कम ही निकलते हैं किसी मुद्दे पर, जब उठाते हैं तो आपको पता है कि एडवोकेटों ने देश की दिशा बदली है। सारे आज़ादी में एडवोकेट्स का नाम है, सारे जितने भी देश की आज़ादी हुई है, बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, जब एडवोकेट्स आ जाते हैं पढ़े लिखे जमीनी स्तर पर लोग कब जागरूक होकर आपके साथ खड़े होंगे? उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोग जागरूक होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, जागरूक होंगे लोग। तो यही कहने कि लोग जागरूक होंगे कि शेर का भाई बघेरा एक कुदन और दूसरा तेरा, और विपक्ष भी इसमें शामिल है, क्योंकि विपक्ष जो है राष्ट्रीय आंदोलन ईवीएम के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया है, तो कहीं ना कहीं आप यह देखिए कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के हर कोने में हो रही है, परंतु विपक्ष भी खामोश है और चुनाव आयोग भी खामोश तो कर रहा है, विपक्ष ट्वीट तो लगातार। देखिए विपक्ष के ट्वीट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई का एग्जीक्यूशन किया जाए, हमें ट्वीट से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, हमें जो है चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना पड़ेगा, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा, हमें जो है जो ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है उस टैंपरिंग के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और हमारे में कोई वाईफाई नहीं है, देखिए सुनिए, ये कोई भी चुनाव आयोग कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और न ही चुनाव आयोग इस बात की गारंटी दे रहा है। तो लगातार यहाँ पे जिस तरीके से आप देख ही पा रहे होंगे वकीलों का ये जो मार्च निकाला जा रहा है, शांतिपूर्वक मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन हम आपको दिखा दें यहाँ पे पुलिस वगैरह ने अपनी पहले ही बस ले आए हैं डिटेन करने के लिए, यहाँ पे लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे आप लोगों को, डिटेन कर लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन तक भी जाने नहीं दिया जाएगा? उनकी मर्जी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप लोग तो शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं ना, फिर भी आपको डिटेन करके लेके जा रहे हैं? भाई वो उनका वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं और उनका पावर है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकते हैं, हमारा पावर है उसके खिलाफ लड़ने का, हम लड़ते रहेंगे। आपको लड़ने भी तो नहीं दिया जा रहा है ना, इस तरीके से आप मार्च निकाल रहे हैं, आपको डिटेन कर लेंगे अभी? निकालने के लिए तो इजाजत दे दिया है हमें, मार्च निकालने का तो इजाजत दिया गया है, तो वो तो है, मैं उसी पे खुश हूँ। और आप लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वो जो लाइव हैकिंग होती है वो करके दिखाएंगे, तो इस चीज को आपको दिखाने दिया जाएगा? दिखाने दिया जाए या ना दिया जाए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अगर नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड हैं, तब उनकी गड़बड़ी है, अगर दिखाने दे देते हैं तो ठीक है, वो सच है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अभी इन्हें मार्च निकालने दिया जा रहा है, शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं, एक बार आपको दिखा दे, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो बस वगैरह है वो सब यहाँ पे आ चुकी है, उनको डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो अभी शायद शुरू हो ही जाएगी। और लगातार ये लोग ये भी नारे लगा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, जो नंबर था वो भी जारी कर दिया था, और साथ में जो जमीनी स्तर पर लोग कब आएंगे तो वही देखना है। अब आगे की जानकारी के लिए बने रहिए।